राहुल गांधी की कभी छवि नहीं थी, वो राहुल गांधी आज चुनाव में मंदिर के मंदिर दर्शन करते रहे, जनेऊ का दर्शन कराते रहे, और अब जब असुरक्षा हुई तो एक माइनॉरिटी से पकड़ने के लिए ये संरक्षण सुरक्षा का, और वो भी सुरक्षा ऐसी इतने मजबूरी में है कि उन्हें एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट पर ही सुरक्षा का आश्वासन दिखाई पड़ता है। इस बात का संकेत है कि हालात सो रह रही है, इंडिकेशन एज टू इन विच डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग। और पूरा विश्वास है इस बार के चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होंगे, अविस्मरणीय होंगे, भाजपा को अपने बहुत ही निर्णायक बहुमत मिलेगा और अपने एनडीए साथियों के साथ ऐतिहासिक। रविशंकर जी, सवाल ये उठता है कि आप देख रहे हैं न्यूज बिहार का यूट्यूब चैनल भारत लाइव। जैसा कि आपने सुना शुरुआती, ये बिहार के पटना से, पटना साहिब से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद लगातार जब से पटना के प्रत्याशी बने हैं उनका सीधा सीधा हमला कांग्रेस पार्टी पर हो गया है, और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख यानी आला कमान राहुल गांधी पर वो जमकर हमला कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है वो भी आप अच्छी तरह जान रहे हैं, क्योंकि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो पूर्व में भाजपा के ही एमपी रहे हैं, और अब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने की बात कही है, और वही उनके मुख्य प्रतिद्वंदी होने जा रहे हैं। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और रविशंकर प्रसाद अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला करते समय वो ये बात कहना नहीं भूले कि अल्पसंख्यक समाज जहां बहुलता में है वहां से राहुल गांधी को अपनी दूसरी सीट तय करनी पड़ी, इसलिए कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अमेठी में चुनाव हार जाएंगे। इन सब बातों के पीछे अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी पुरानी धारा पर आ गई है, और देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस तरह के बातों का समर्थन एनडीए के अन्य साथी यानी रामविलास पासवान और नीतीश कुमार भी करते हैं क्या। सुनिए उन्होंने आज प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा और किस तरह से वो पूरा एग्रेसिव होकर के राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। ये बात हम कहना चाहेंगे, सबसे तो मुझे हंसी आई एके एंथोनी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सूर्यवाला की टिप्पणी को देखकर। तो मेरे पास है कि राहुल गांधी लड़ सकते थे केरल से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, तो उन्होंने केरल की सभा में, तो केरल में भी यही सीट मैंने बता दिया। और एंथोनी साहब ने कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी वो दक्षिण से लड़े, सबसे कमाल का वक्तव्य दिया है उनके गुणी मीडिया प्रभारी सनाम धन रंजीत सुरजेवाला ने, क्या कहा है, दक्षिण भारत की संस्कृति को बचाने के लिए राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़े, क्या बात है। इट इज एन अग्ली क्रूएल जोक ऑन द प्राउड ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया। दिस होल कमेंट दैट राहुल गांधी इज गोइंग टू सेव द साउथ इंडियन संस्कृति, हेंस कंटेस्टिंग इज एन अग्ली जोक। लेकिन जब बात निकली है तो बहुत जोर तरफ जाएगी। इलेक्शन बिटवीन होप एंड अपॉर्चुनिटी, इट इज एन इलेक्शन बिटवीन एस्पिरेशन एंड डिस्पेयर, अपेक्षाओं और निराशा के बीच का चुनाव। 14 में मोदी जी आए थे, आज उनकी अगुवाई में जो देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बना है, जो भारत का आर्थिक मान बढ़ा है, भारत का राजनीतिक मान बढ़ा है, भारत दुनिया की एक सामरिक ताकत होकर उभर रहा है, और ऐसा उभर रहा है कि पूरी दुनिया भारत को विश्वास करती है, और जिस तरह से बाकी विकास के काम हैं गरीबों के लिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे किसानों के लिए योजना हो, इन सबों का असर नीचे जमीन पर दिखाई देता है। तो जनता ने हमारा काम देखा है और मोदी जी की अगुवाई में देश की ईमानदारी और एक बड़ा नेतृत्व देखा है, जनता ने पूरा। That's all.
अपनी आस्था से हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हिंदू हिंदुइज्म में तो यह भी विचार है कि जो ईश्वर को न माने वो भी हिंदू है। 30 करोड़ देवी देवता है आपको मालूम, एक तो हमारा है एक विपरा बहुदा बदंती सत्य एक है, विद्वान उसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। भगवान के भक्त बनो, राम के भक्त बनो, कृष्ण बनो, मां के बनो, तुम महादेव के बनो, सवाल उसका नहीं है। सवाल यह है जिस राहुल गांधी की कभी छवि नहीं थी वो राहुल गांधी आज चुनाव में मंदिर के मंदिर दर्शन करते रहे, जनेऊ का दर्शन कराते रहे, और अब जब असुरक्षा हुई तो एक माइनॉरिटी इस पर लड़ने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा, निष्कर्ष निकाला देश की जनता का। यस सर, यह बात है कि लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया अभी, लेकिन आज उनकी अमेठी से वायनाड की लंबी यात्रा ने एक बार साफ साफ कर दिया है राहुल गांधी खुद भी डर गए और संरक्षक सुरक्षा का, और वो भी सुरक्षा ऐसी इतने मजबूरी में है कि उन्हें एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट पर ही सुरक्षा का आश्वासन दिखाई पड़ता है। इस बात का संकेत है कि हालात सुधर रहे हैं। इट्स एन इंडिकेशन एज टू इन विच डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग, और हमें पूरा विश्वास है इस बार के चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होंगे, अविस्मरणीय होंगे, भाजपा को अपने बहुत ही निर्णायक बहुमत मिलेगा और अपने एनडीए साथियों के साथ ऐतिहासिक। रविशंकर जी, दैट्स ऑल फॉर मी। सवाल ये उठता है कि आपने बिकॉज ऑफ द एथनिक प्रोफाइल ऑफ वायनाड वेयर 49.4% ओनली आर द हिंदू एट रिस्क और आर एंड द 7 कंस्टिट्यूएंसीज आर ऑल माइनॉरिटी। राहुल गांधी जी आपको वायनाड ही दिला था, अगर दक्षिण भारत का प्रेम था तो कहीं और लैंड कर जाते, तो आपकी सुरक्षा का भाव इतना गंभीर है कि एक तरफ चुनावी हिंदू बनने और गोत्र और जनेऊधारी का दावा करने वाले राहुल गांधी आज केरल के एक बिल्कुल अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में संरक्षण प्राप्त कर लिया है। आई थिंक राहुल गांधी स्टैंड्स एक्सपोज टुडे, हिज कमिटमेंट टू एन इंक्लूसिव इंडिया स्टैंड्स एक्सपोज टुडे। राहुल गांधी माइग्रेटरी कमिटमेंट टू पॉलिटिकल हिंदू स्टैंड्स एक्सपोज टुडे, ये बात हम कह रहे हैं। सबसे तो मुझे हंसी आई एके एंथोनी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सूर्यवाला की टिप्पणी को देखकर। तो मेरे पास है कि राहुल गांधी लड़ सकते थे केरल से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, तो उन्होंने केरल की सभा में दी, तो केरल में भी यही सीट मैंने बता दिया। और एंथोनी साहब ने कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग पूर्ण दक्षिण से लड़े, सबसे कमाल का वक्तव्य दिया है उनके गुणी मीडिया प्रभारी सनाम धन रंजीत सुरजेवाला ने, क्या कहा है, दक्षिण भारत की संस्कृति को बचाने के लिए राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़े, क्या बात है। इट इज एन अग्ली क्रूएल जोक ऑन द प्राउड ट्रेडिशन ऑफ साउथ। This whole comment that Rahul Gandhi is going to save the South Indian Sanskriti, hence contesting, is an ugly joke. लेकिन जब बात निकली है तो बहुत जोर तरफ जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि रविशंकर प्रसाद पूरी तरह से कांग्रेस पर हावी थे, अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उनकी लड़ाई जो है वो पटना साहिब में सीधे कांग्रेस के प्रत्याशी से होने जा रही है, और ऐसे में कांग्रेस पर उनका हमला जरूरी भी है चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही एक बात और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कहीं ना कहीं मुसलमानों को कम प्रतिशत यानी कि प्रतिनिधित्व कम देने के कारण भी बैकफुट पर है और इसकी पूरा किरकिरी हो रही है।
आपको बता दें कि कमोबेश दोनों ही गठबंधन ने इस बार मुसलमान उम्मीदवारों को कम करके आंका है और उन्हें प्रतिनिधित्व कम दिया है। ऐसे में वोटर आप हैं, फैसला आपको करना है, आप जनता को करना है, आप अपने प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, हम आपसे इसी तरह की खबरें लाते रहेंगे। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।